आज हम एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल आप इसको वैसे ही पढ़िएगा तो आप एक बार में ही इस चैप्टर में एक्सपर्ट बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे। एनसीईआरटी का जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसके पार्ट 2 में है, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी के पार्ट 2 में है, ये चैप्टर नंबर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। आप एनसीईआरटी लेके इसलिए बैठिएगा कि आपको उससे बहुत ईजीनेस रहेगी, जब मैं पढ़ाता जाऊंगा तो आपको बहुत ईजीनेस रहेगी। आइए बात करते हैं चैप्टर 12 एनसीईआरटी लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूं आप बिल्कुल वैसे इस चैप्टर को पकड़िए और सबसे छोटे में आप इस चैप्टर में मास्टर हो जाएंगे। पहला शब्द आता है लीनियर, यानी इस चैप्टर के अंदर केवल लीनियर इक्वेशंस होंगी। क्या होंगी? ओनली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर के अंदर केवल हम डील करेंगे, केवल हम खेलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। प्रोग्रामिंग एक शब्द है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम कैसे बनता है? प्रोग्राम बेसिकली बनता है एल्गोरिदम से। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अचीव एनीथिंग। प्रोग्रामिंग का जो मेन फंडा होता है या एल्गोरिदम का जो डेफिनेशन होती है, अपन कह सकते हैं इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव एनीथिंग। तो प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ प्रोसीजर है। प्रोसीजर कैसा प्रोसीजर? स्टेप बाय स्टेप। मेरी इंग्लिश खराब हो गई है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव अ गोल। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, वो अलग है। तो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर शब्द का मतलब है इस चैप्टर के अंदर केवल लीनियर इक्वेशन आएंगी दो वेरिएबल में। आप मुझे ध्यान से सुने, अगले आने वाले आधे घंटे में ही चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। लीनियर शब्द का मतलब है भैया कि इसके अंदर केवल लीनियर इक्वेशन की बात होगी दो वेरिएबल की, जिसको हम ऑलरेडी 10th क्लास में 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो दिस चैप्टर ओनली इन्वॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ना कोई क्वाड्रेटिक, कुछ भी नहीं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हमको लाइनों को सॉल्व करना और सब कुछ आता है। प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अचीव एनी गोल। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, भैया पहले ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, किसी भी गोल को अचीव करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को प्रोग्राम कहा जाता है। अब सवाल उठता है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो यहां क्या गोल है, यहां क्या अचीव करना चाहते हैं? इस चैप्टर में हम जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से अचीव होगा। अब आइए चैप्टर पर आ जाइए। इस चैप्टर में होगा क्या? इस चैप्टर में कुछ लीनियर कंस्ट्रेंट गिवन होंगी, लीनियर कंडीशंस गिवन होंगी, चाहे कंडीशंस कह लीजिए या कंस्ट्रेंट्स कह लीजिए। इस चैप्टर में कुछ लीनियर कंस्ट्रेंट गिवन होंगे। लीनियर शब्द का मतलब जैसे आपको दे देंगे भैया एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव होना चाहिए, 3x+4y 10 से छोटा होना चाहिए, 9x+y 2 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे कुछ लीनियर कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे। इस चैप्टर में होता क्या है, लीनियर कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन होंगे। सब कुछ लीनियर ही लीनियर है, सब कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर ही है। इस चैप्टर में यू विल बी गिवन सम लीनियर कंडीशंस, यू विल बी गिवन सम लीनियर कंस्ट्रेंट्स, और इन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वह भी लीनियर होगा। जैसे मान लो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x+6y, वह भी लीनियर होगा। सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, हमको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, आमतौर पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से डिनोट करते हैं, आमतौर पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से डिनोट करते हैं, या तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी या इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। बस यही इस चैप्टर का उद्देश्य है और यही इस चैप्टर में करना है। गिवन सम लीनियर कंस्ट्रेंट्स, एक्स और वाई इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं,
एक्स और वाई इन कंस्टेंट्स को मीट करते हैं, एक्स और वाई इन कंडीशन को ब्रेक नहीं कर सकते। इन कंडीशंस के ट्रू होते हुए इस लीनियर एक्सप्रेशन की क्या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, बस यही निकालना है। और इसी ली चूंकि इसके अंदर क्या है, केवल लीनियर फंक्शन इन्वॉल्व है, कंडीशन भी लीनियर है और जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वह भी लीनियर है, इसीलिए लीनियर। और इसके इस कंडीशंस के होते हुए, इन कंडीशंस को ट्रू मानते हुए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का प्रोसेस कहलाता है प्रोग्रामिंग। सो लीनियर प्रोग्रामिंग, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन गिवेन सम लीनियर कंस्ट्रेंट। यही इस चैप्टर का मेन मकसद है और यही मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके अंदर कुछ लीनियर कंडीशन होंगी और उन लीनियर कंडीशन को ट्रू मानते हुए, उन लीनियर कंडीशन को होल्ड कराते हुए कि भैया ये है एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, ये है, और आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मीन्स द अप्रोच द मेथड द प्रोसीजर द प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी लीनियर फंक्शन गिवेन लीनियर कंडीशंस। लीनियर कंडीशंस की मदद से लीनियर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक लीनियर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने का जो प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, वही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है स्टडी करने का। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। जो कंडीशंस होती हैं उनको लीनियर कंस्ट्रेंट्स या लीनियर कंडीशन कहते हैं और जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको आमतौर पर जेड से डिनोट करेंगे। तो इस चैप्टर में लीनियर कंडीशंस गिवन है और हमको एक लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसके प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। कॉपी कर लो। अब सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। तो ये चैप्टर का मुख्य उद्देश्य तो हम समझ गए, गिवन सम लीनियर कंस्ट्रेंट्स एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं इस बात को, आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ये रहा, ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल वन है। आप एनसीईआरटी सिर्फ लेके बैठे हैं, उसको देखते रहे, आप देखें ध्यान से। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। इसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, जैसे अलग से लिखा गया है कि इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करो। तो इसको पढ़ के ऐसा मन में आता है कि शायद ग्राफ के अलावा इसका एल्जेब्रिक वे होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका कोई एल्जेब्रिक वे है ही नहीं, यही एक ही तरीका है, ग्राफिकली ही सॉल्व करते हैं। आमतौर पर हर चीज का एक ग्राफिकल वे और एल्जेब्रिक वे दोनों होता है। ये एग्जाम्पल वन के क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि भैया कि इस प्रॉब्लम को तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, शायद अल्जेब्रिक मेथड भी होता होगा, लेकिन इस समय ये कह रहा है ग्राफिकल सॉल्व करो। तो सबसे पहले मन में बात बिठा लें कि इस प्रकार की जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती हैं, इनको सॉल्व करने का केवल ग्राफिकल ही तरीका होता है। इस प्रकार की जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती हैं, इनको सॉल्व करने का केवल ग्राफिकल ही तरीका होता है। पहले तो ये मन में बिठा लें। आप सुनो ध्यान से, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे बच्चे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिक। अब देखो इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमको 4x प्लस वाई की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, और ये हो गई कंडीशंस। ये लीजिए, तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैक्सिमम में मिनिमाइज करना है। ऐसा मतलब अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं, ये सारी कंडीशन होल्ड करती हैं, तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो हमको पता लगाना है। ये तो हो गया सवाल, अब मैं बताऊंगा सवाल का जवाब कैसे देना है। सुनो बिल्कुल ध्यान से, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है, करना कुछ नहीं है। सारी कंडीशंस को प्लॉट करो,
सारी कंडीशंस को प्लॉट करो। सुनो ध्यान से, आमतौर पर सारी कंडीशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट होंगे। ध्यान से देखते आओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिख रहा है यहां पर, ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ये सारा इनफाइनाइट पोर्शन हो गया। जब आप इन सारी कंडीशंस को प्लॉट करेंगे तो आपको एक एरिया मिलेगा, एरिया y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर ये सारा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये सारी इनइक्वालिटी है, तो हर इनइक्वालिटी क्या देती है, प्लेन, इनफाइनाइट वन साइडेड प्लेन। ओके, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो यहां पर हम लाइन खींच लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये लाइन मैंने खींच ली x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये पॉइंट आ गया 0, 50, 50, 0, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 यानी लाइन के नीचे का पोर्शन, इस लाइन को प्लॉट करो। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 को प्लॉट करो। अगर x को 0 रख दो तो y इक्वल टू 90, x को 0 रखा तो y 90, और y को 0 रखा तो x 30। अगर y को 0 रखा तो x 30, तो y को 0 रख दिया तो x यहां पर निकल के आ गया 30, 0। अब आपको एक रीजन मिल गया यहां पर, ये देखिए ये रीजन मिल गया, ये वो एरिया है जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ये वो एरिया है जो कि इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इवन कलर फिल बिल्कुल होता है क्या, अरे जान दो कुछ कर पड़ी रहती है। ओके, ये वो एरिया आ गया। देखो x 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 90, तो लेस देन इक्वल टू 90 यानी इसके भी नीचे का पोर्शन, तो x पॉजिटिव रहे, y पॉजिटिव रहे, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50 रहे, ये 50 रहे। जब आप सारी कंडीशंस को प्लॉट करेंगे तो दो ही बातें हो सकती हैं। कौन सी दो बातें, या तो आपको जो एरिया मिले वो क्लोज्ड एरिया मिले, या जो आपको एरिया मिले वो ओपन एरिया मिले, और कोई तीसरी बात नहीं होगी। इस बार हमको क्लोज्ड एरिया मिल रहा है। सारी कंडीशंस को जब आप प्लॉट करेंगे या तो आप क्लोज्ड एरिया मिलेगा या ओपन एरिया मिलेगा। अब जो आपको क्लोज्ड एरिया मिला, जो क्लोज्ड पॉलीगन मिला, उस पॉलीगन के सारे वर्टेक्स निकालो। तो इस पॉलीगन का एक वर्टेक्स है 0, 0, एक वर्टेक्स है 0, 50। अब ये वाला वर्टेक्स अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों लाइंस को देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 50 एक लाइन है और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 दूसरी लाइन है। ऊपर में से नीचे वाले घटा दें, 2x इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई, तो y की वैल्यू 30 आ गई। ये लीजिए मेथड सेट है। अगर बाउंडेड एरिया मिलता है तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालें। तो हमको कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिल गए, इधर देखिए कॉर्नर पॉइंट्स, तो सारे वर्टेक्स निकालें। तो एक तो 0, 0 वर्टेक्स है, 30, 0 वर्टेक्स है, 20, 30 वर्टेक्स है, 0, 50 वर्टेक्स है, और हर वर्टेक्स पर वैल्यू ऑफ z यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालें हर वर्टेक्स पर। इस वर्टेक्स पर 0 आ रही है, 30, 0, 120 आ रही है, 20, 30, 80, 90, 100, 110 आ रही है, और 4x प्लस y 50 आ रही है। एक बार देख लें, 0, 0 पर 0, 30, 40, 120, और हर कॉर्नर पर वैल्यू निकाल लें। कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पर वैल्यू निकाल लिया आपने, जितने वर्टेक्स पर वैल्यू निकाल, बस इन सब में मैक्सिमम देख लें, बस यही है मैक्सिमम वैल्यू, और वो मिलती है x 30 y 0 पर। आ गया आंसर, बस और कुछ नहीं करना, चैप्टर खत्म, इतना ही करना होता है। इसके अंदर जितने लीनियर कंडीशन गिवन होंगे आप सारी लीनियर कंडीशन को प्लॉट कर ले, उससे या तो क्लोज्ड इंटरवल मिलेगा या क्लोज्ड पॉलीगन मिलेगा या ओपन पॉलीगन मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा।
चाहे क्लोज्ड पॉलीगन मिले चाहे ओपन पॉलीगन मिले, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वर्टिसेस पर ही आती है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वर्टिसेस पर ही आती है। इस मेथड कहलाता है, दिस मेथड इज नोन एज कॉर्नर पॉइंट मेथड। हमारे गुरुजी बोलते थे बात कोने में ही बनती है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये रहा कॉर्नर पॉइंट मेथड। आइए इस मेथड को मैं समझाऊं थोड़ा सा, बोर्ड पर ही देखते रहे दो मिनट, बोर्ड पर ही देखते रहे दो मिनट। कॉर्नर पॉइंट मेथड एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है ढंग से। ये रहा कॉर्नर पॉइंट मेथड, याद रखे बात कोने में ही बनती है। अब सुने कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है उसको सुने। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज रिफर्ड एज कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये जो तरीका जो मैंने अभी आपको इलस्ट्रेट किया, और तरीका सेट है चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, यही है बस। अभी अपन काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। लीनियर कंडीशन गिवन है, ऑब्जेक्टिव लीनियर फंक्शन गिवन है, आपको करना कुछ नहीं है, सारे लीनियर कंडीशन को प्लॉट करना है। सारे लीनियर कंडीशन को प्लॉट करके या तो आपको क्लोज्ड रीजन मिलेगा या ओपन रीजन मिलेगा। ओपन रीजन मिलेगा तो क्या करना है मैं बताऊंगा, क्लोज्ड रीजन अगर मिल जाए तो खुश हो जाइए। सारे वर्टेक्स की वैल्यू निकालिए, हर वर्टेक्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालिए, जो सबसे बड़ी आए वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी आए मिनिमम। चैप्टर खत्म, इतना ही है, सिंपल चैप्टर है। अब आइए कॉर्नर पॉइंट मेथड, बात कोने में ही बनती है। द मेथड कंप्राइज़ द फॉलोइंग स्टेप। इस मेथड के फॉलोइंग स्टेप से क्या स्टेप है, फाइंड द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन यानी जो जो फिजिबल रीजन है जहां जहां आपके एक्स और वाई की वैल्यू हो सकती है। फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट। तो यहां पर हमने क्या किया, ये इसका फिजिबल रीजन है, ये जो येलो रंग से पूरा मार्क्ड है ये इसका फिजिबल रीजन है, यहां पर आपका एक्स और वाई इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये फिजिबल रीजन है। पूछने वाला आदमी फिजिबल रीजन का एरिया भी पूछ सकता है कि फिजिबल रीजन का एरिया बता दो। तो ये फिजिबल रीजन है जहां पर आपका इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स और वाई स्थित हैं। आगे बोलता है फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट वर्टिसेस आइदर बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से कुछ नहीं निकलना, बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑन दो इक्वेशन। उसके बाद क्या बोलता है, इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट। हर कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लें। लेट एम एंड एम रिस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ दिस पॉइंट। हर कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालें, कॉर्नर पॉइंट के अलावा और कहीं वैल्यू नहीं निकालनी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू आई उसको कैपिटल एम कह दीजिए, जो सबसे छोटी वैल्यू आई उसको स्मॉल एम कह दीजिए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कैपिटल एम हो गया और ये हमारा स्मॉल एम हो गया। आगे मेथड क्या कहता है, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। अब जब फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो कैपिटल एम और स्मॉल एम उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गई। यहां पर देखिए फिजिबल रीजन बाउंडेड ही आया है। जब फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो बुद्धि प्रकाश का इस्तेमाल ना करें, बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। जो सबसे बड़ी वैल्यू आई मैक्सिमम, सबसे छोटी वैल्यू आई मिनिमम। चैप्टर खत्म, इतना ही है। अब ओपन इंटरवल में क्या होगा वो मैं बताऊंगा। अब ओपन के लिए उसने कुछ लिखा है, अगर अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड मतलब ओपन इंटरवल है यानी क्लोज्ड नहीं है। बाउंडेड शब्द का मतलब, बाउंडेड शब्द का मतलब क्लोज्ड पॉलीगन है। बाउंडेड शब्द का मतलब कि आपको क्लोज्ड पॉलीगन मिला है। अगर क्लोज्ड पॉलीगन मिला है तो बाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब ओपन पॉलीगन मिला है, ओपन पॉलीगन मिला है। अब ओपन पॉलीगन में क्या होता है, ओपन पॉलीगन में कुछ बातें और ध्यान देनी होती है। क्लोज्ड पॉलीगन का केस तो बहुत इजी होता है, तो बुद्धि प्रकाश की जरूरत नहीं होती। ओपन पॉलीगन में एक देखना होता है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई हैज नो पॉइंट इन कॉमन अदरवाइज, अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता तो ग्रेटर लेस, ये मैं समझा दूंगा, अभी रुक जाइए। तो थर्ड पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए, आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं, कॉपी कर लें पहले इसको। हाँ, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एक और एग्जाम्पल समझेंगे। ये देखिए, आइए वापस से एक क्वेश्चन में लिखा गया है,
solve the following linear programming problem graphically. इसको पढ़ के फिर ऐसा लगता है कि इसको तो graphically solve करना है, और भी तरीके होते होंगे, तो मैं फिर बता दूं कि और कोई तरीका नहीं होता, यही तरीका ही है। वापस से ये हमारा मिनिमाइज करना है इसको, सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट। चलिए प्लॉट कर लेते हैं सारी कंस्ट्रेंट्स को। मेथड बिल्कुल सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल पूर्णता वर्जित है। ये लीजिए एक्स और वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमेशा रहते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात होगी। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, अच्छी बात है। 3x प्लस 4y को प्लॉट करें, अगर y को जीरो कर दें तो x की वैल्यू 8 आ जाती है, और अगर x को जीरो कर दें तो y की वैल्यू 6 आ जाती है। ये लीजिए इस लाइन के नीचे का पोर्शन है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर y को जीरो कर दें तो x की वैल्यू 10 आ जाती है। और अगर x को जीरो कर दें तो y की वैल्यू 5 आ जाती है। इस लाइन के ऊपर का पोर्शन, तो इस लाइन के ऊपर रहे और इस लाइन के नीचे रहे, तो जो कॉमन पोर्शन यहां आ रहा है वह सिर्फ ये ट्रायंगल ही आ रहा है बस। ये एक फीजिबल रीजन है, यही वो रीजन है जो कि इन सारी कंडीशन को, इन सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द फीजिबल रीजन दिस टाइम, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, और ये फीजिबल रीजन आ गया। सबसे पहले आप फीजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लें, फिर बात कोने में ही बनती है। फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट निकाल लें, एक 0.5 आ गया, वापस से बाउंडेड आया है, क्लोज्ड आया है, एक 0.6 आ गया, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एक लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, दूसरी लाइन है x प्लस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 20, ऊपर मैंने से ये घटा दो तो x इक्वल टू 4, तो x कोऑर्डिनेट 4 आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, x को 4 रख दें तो x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 3 आ गया, तो ये आ गया 4.3। तीनों कोने पता लग गए। अब हर कोने पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, 200x प्लस 500y, तो 500y तो 2500, और फिर 500y 6 5 30 3000, और 4 2 800 प्लस 1500, तो ये कितना निकल गया, 800 1500 5 2300। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई मिनिमम वैल्यू। कॉर्नर पॉइंट मेथड बहुत आसान है, जितना कम दिमाग लगाएंगे उतनी जल्दी उत्तर पाएंगे। सारे कंस्ट्रेंट को प्लॉट कर लेना है, अगर उससे बाउंडेड रीजन आता है, क्लोज्ड पॉलीगन आता है, तो उसका तरीका बता दिया है। पॉलीगन के हर वर्टेक्स पर वैल्यू निकालो, उनमें जो मैक्सिमम आए वो मैक्सिमम और जो मिनिमम आए वो मिनिमम। आइए एक और क्वेश्चन लें। मेथड बिल्कुल सेट है और मेथड बहुत सिंपल है। आइए एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं और फिर ओपन इंटरवल अनबाउंडेड को देखते हैं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, ये बार बार ये ग्राफिकली वर्ड लिख के ऐसा जताना चाहता है कि देयर आर अदर मेथड ऑल्सो बट देयर इज नो मेथड। अरे बेटा, तो एनसीईआरटी ढंग से पढ़ नहीं रहे, दिक्कत यही है ना, दिक्कत बस यही है बस मेरे बच्चे बस। चलिए अब की बार कंडीशंस काफी ज्यादा हैं, आओ देखें। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। x लेस देन इक्वल टू y, x y से छोटा होना चाहिए, तो एक लाइन खींच ली हमने,
ये लाइन खींच ली y इक्वल टू एक्स, और x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से छोटा होना चाहिए, तो लाइन के नीचे का पोर्शन, लाइन नहीं y ग्रेटर देन x, y में देखेंगे तो ये लाइन के ऊपर का पोर्शन। आगे बोलता है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको प्लॉट कर रहा हूं तो ये x एक्सिस को कट, y एक्सिस को 0, 10 और ये 10, 0 और ये ग्रेटर देन 10, तो इसके ऊपर का पोर्शन। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, तो y को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 60 आ गई, और x को 0 कर दे तो y की वैल्यू 20 आ गई। लेस देन इसके नीचे का पोर्शन, तो इसके नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, इसके इधर होना चाहिए, इधर। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा फीजेबल रीजन आ गया। ये इस बार भी फीजिबल रीजन क्लोज्ड आया है, ये जब भी क्लोज फीजिबल रीजन आता है खुश आते हैं हम। आइए कॉर्नर पॉइंट निकालें, ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो इस लाइन, ये 20 और 60, इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 60, तो 15, 15, और ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो एक्स प्लस 2x 5, 5। ये लीजिए, तो बात कोने में ही बनती है। तो यहां पर हम सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट लिख लेंगे, क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है भैया, 0, 10, 0, 20, 5, 5, 15, 15। हर कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, 3x + 9y, तो यहां पर 90 आ गई, यहां पर 180 आ गई, 5 × 3 = 15, 45, 60 आ गई, यहां पर 15 × 3 = 45, फिर 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 9, 135, 5 × 5 = 10, 4 × 4 = 8, 180। ये लीजिए, इस बार दो दो जगह आपको सेम मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया अपन, नहीं, सही है ना। इस बार दो दो जगह चाहे 0, 20 पर मैक्सिमम वैल्यू ले लें, चाहे 15, 15, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पे आपको सेम मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। यू गेट द सेम वैल्यू एट 0, 20 and 15, 15। 3x + 9y टुकड़ा हो गया, चलो ठीक है, ये आ गया। मैक्स मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है, और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ये भी हो गई मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गई मिनिमम वैल्यू। कॉपी कर लीजिए,